हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीके के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन में हमने 5 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है। आप वीडियो को रोककर अपना सही जवाब चुनें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपने हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्राह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा है? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी जिन्ना ने, ऑप्शन सी चर्चिल ने या फिर ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चर्चिल ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 8, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 21 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। नंबर 11, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी या ऑप्शन डी पाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 23 मार्च।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24। क्वेश्चन नंबर 14, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए संकल्प दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी आतंकवाद विरोध दिवस या ऑप्शन डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। का सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन डी तमिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलुगु।